हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर कपिल शर्मा आज आगरा से अनुपम भैया के घर से आपके बीच में, और प्यारी यूथ मेरे साथ में है। अनुपम भैया है, शबनम दीदी है, अनामिका है, और सबसे पहले चूंकि 12 बज चुके हैं और एक नया वर्ष प्रभु ने हमें दिया है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम सब मिलकर एक साथ जोर से हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाएंगे। यस, हैप्पी न्यू ईयर, हालेलुया। आपको नया वर्ष मुबारक हो। आप इस समय हमारे साथ लाइव हैं, आप भारत से हैं या भारत के बाहर से हैं, आप जहां से भी हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु की महिमा आपके जीवन में हो। और जरूर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी 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 12, 14, 15, 16 लोग जुड़ गए हैं, प्लीज आप इसको शेयर कीजिए। यस, आप उसको शेयर कीजिए, हजारों लोगों तक प्रभु का ये वचन पहुंचना चाहिए। यस, हालेलुया। और मेरा आपसे निवेदन है, यस, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जब बच्चे इस समय वर्शिप करेंगे इस नए साल में, हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के साथ आराधना में जाएंगे और इस नए साल के वचन में जाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया।
शेयर करते रहिए। यस हालेलुया।
धन्यवाद। क्या 2021 में हम लोग कह सकते हैं कि मेरा मुक्तिदाता मेरा प्रभु यीशु मसीह? अगर किसी को डाउट है कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं मिला, तो पहला कुरिन्थियों 12:3 हम अगर पढ़े, 1 Corinthians 12:3 प्रभु का वचन कहता है कि हरेक वो मनुष्य जो यीशु को प्रभु कहता है, वो तभी प्रभु कह पाता है जब उसके पास पवित्र आत्मा होती है। हालेलुया, हालेलुया। और ये 2021 की शुरुआत में मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। ये साल आपके लिए प्रभु की ओर से बड़ी आशीष का साल होने जा रहा है। और बस हम एक और दो गीत गाना चाहते हैं, क्योंकि मैं इन बच्चों के साथ पहली बार बैठा हूँ और मैं बहुत आनंदित हूँ कि ये बड़े उत्साहित है और मैं भी बड़ा उत्साहित हूँ इनके साथ आराधना करने में। हो सकता है थोड़ी मेरी आराधना करने का तरीका इनकी आराधना करने का तरीका अलग हो, परंतु हम मिलकर कर प्रभु की आराधना रहे हैं। हालेलुया। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जितने लोग आज यहाँ पर जुड़े हैं, मैंने अभी देखा कि कुछ लोग बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर के हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, परंतु फिर भी वो यहाँ पर आनंदित है, क्योंकि भाषाओं को समझाने वाला हमारा प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। प्लीज शेयर जरूर कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि ये मिडनाइट सर्विस बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। और आप जगे हैं, मुझे मालूम है आप रिश्तेदारों को फोन करने में लगे हैं, प्रिय मित्रों को फोन करने में लगे हैं, विश देने में लगे हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नया साल प्रभु यीशु के कारण आप देख पा रहे हैं। आपकी पहली विश, पहली आराधना उस प्रभु के पास होना चाहिए। तो प्लीज आप अपने आप को उस प्रभु के हाथ में सौंपिए, प्रभु के नाम को धन्यवाद कीजिए, और हम लोग एक साथ फिर कहेंगे मुक्ति दिलाए सुना।
जाएंगे सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। यस धन्यवाद। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। 2021 में हम जब प्रवेश करते हैं तो हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम प्रभु के नाम को धन्यवाद करते हुए उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। Thank you.
साथ उस प्रभु को बोले कोटि का मतलब मेरे प्रियो करोड़ों करोड़ बार होता है प्रभु का धन्यवाद देना। हालेलुया, हम जिंदा हैं इसलिए धन्यवाद, हम प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, एक नए वर्ष में प्रवेश कर पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। ओ हालेलुया, प्रभु आपकी महिमा, आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं, सारा आदर सारी महिमा सारा गौरव सारा जलाल आपको देते हैं। प्रभु इन बच्चों को जो इस रात में प्रभु राजा तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी आशीष इन पर उड़ेल दे मेरे खुदा। अनुपम भैया शबनम दीदी प्रभु जिन्होंने इस जगह को प्रभु तेरी महिमा के लिए दे दिया है प्रभु, इन पर इनके घराने पर तेरी आशीष प्रभु, तेरे नाम को धन्य कहते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। और जितने लोग इस समय पास्टर कपिल शर्मा पेज पर और जितने लोग इस समय आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु एक साथ है प्रभु, उन सबों पर तेरी आशीष बोल देता हूं प्रभु राजा। हालेलुया, तेरी महिमा, सारा आदर सारी महिमा सारा गौरव सारा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। एक अच्छा आशीषित समय है 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो मेरी ओर से और जितने मेरे पीछे नौजवान बैठे हैं मैं उन सब की ओर से, मेरी दाई और हमारे बड़े भाई अनुपम डेविड भैया बैठे हैं और कैमरे के बैक साइड शबनम दीदी और अनामिका हैं,
मैं सबकी ओर से आपको नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। जैसा कि वर्ष आपको मालूम है 2021, चूंकि 2000 वर्ष तो चलते आ रहे हैं, परंतु मुख्य हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो 21वां साल है। हालेलुया, वाओ। मैं यहां देख पा रहा हूं कि सिडनी से लोग जुड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया से, फिजी से लोग जुड़े हैं, खंडवा से हैं। ओ हालेलुया, ओह क्या बात है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबके साथ हम इस नए साल को मना पा रहे हैं, उसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद। तो हमारे लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है 21 का मतलब क्या है। हालेलुया बच्चों, 5-10 मिनट बैठेंगे, है ना, ज्यादा लंबा संदेश नहीं है। पर ये नए साल का संदेश वचन सभी को सुनना है। 21 का मतलब क्या है, गौर कीजिए। हम जब इसको नंबर में देखते हैं, यस बच्चा पार्टी लोग बैकग्राउंड में म्यूजिक बजा रहे हैं, प्रभु इनको बहुत आशीष दे। शमित को और भैया आपका नाम अभिनव, दोनों को प्रभु बहुत आशीष दे। हालेलुया, 21 मतलब 2+1=3 और ये त्रियकता को बताता है, ये परमेश्वर को बताता है। हालेलुया, जब हम त्रियकता की बात करते हैं, जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों हमारे संग होते हैं। और मैं आज आपको वही बात बताने वाला हूं जो अभी जस्ट इस समय जब बच्चे आराधना कर रहे थे मेरे मन में प्रभु ने उस वचन को डाला। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, बहुत लोग गवाह बैठे हैं कि मैं दिन भर से इनके साथ हूं और मैंने कोई तैयारी नहीं करी, कोई नोट्स नहीं बनाए, परंतु अभी रेमा वर्ड प्रभु ने मेरे कान में डाला और वो वचन इतना अद्भुत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हालेलुया, और वो एक प्रोफेसी है 2021 के लिए, एक घोषणा है 2021 के लिए, वो घोषणा है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन है, चाहे वो भारत से या भारत के बाहर से है, या इस कमरे में बैठा है या मुझे ऑफलाइन बाद में सुनेगा। पर मैं पास्टर कपिल शर्मा प्रभु का बेटा होने के नाते अधिकार को अपने हाथों में लेता हूं जो प्रभु ने मुझे दिया है, और इस समय पवित्र आत्मा की अगुवाई में घोषणा करता हूं कि जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में लिखा है वो 2021 में आपके और मेरे साथ होने जा रहा है। हालेलुया, वो भी 21 है, यस, और ये भी 21 है। हालेलुया, और क्या है वो आपको मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है, आप जब उसको पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। बुक ऑफ मैथ्यू, मैं इंग्लिश में जरूर बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है, जो बाहर से हैं, फिजी से हैं और 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 हॉलैंड से हैं। यस हालेलुया, बहनों आपको प्रभु बहुत आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारी दीपिका सिस्टर है ऑस्ट्रेलिया से, वो तो हिंदी बहुत बखूबी जानती है। हालेलुया, 21वें पद में लिखा है कि फिर यीशु यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा है। हालेलुया, और इस साल 2021 हर एक यीशु पर विश्वास करने के वालों के ऊपर विजय का प्रवेश है। हालेलुया, यस, मैं यीशु के नाम से घोषित करता हूं। आमीन। जो बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 21 कहता है कि यीशु मसीह ने फिर यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, प्रभु तुम्हें विजय बनाने जा रहा है। और आपको मैं घोषित करना चाहता हूं कि ये वर्ष आपके हर एक बंधन को तोड़ने का वर्ष, हर एक शैतान को उसकी चाल को पांव के नीचे कुचल देने का वर्ष, और ये वर्ष प्रभु की महिमा का वर्ष, और ये वर्ष आपके विजय प्रवेश का वर्ष है। हालेलुया, परंतु विजय प्रवेश ऐसे नहीं है। उस अध्याय को जब पढ़ते तो वहां लिखा है विजय प्रवेश से पहले यीशु मसीह ने क्या किया, दो सेवकों को भेजा, क्या बोला, गधा और गधे का बच्चा बंधा होगा। पढ़ देता हूं, वैसे मैं पूरी स्टोरी के रूप में आपको बताना चाह रहा था। आप जरूर पढ़िएगा मत्ती 21, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस रात में मैं ज्यादा समय लूं, मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उस विजय प्रवेश से पहले उस खूंटे पर बंधे गधे का बंधन खुलवाना उचित समझा और उस गधे पर बैठकर विजय प्रवेश किया है। हालेलुया, वो खूंटा संसार है, वो रस्सी सांसारिक बातें हैं, और वो गधा कोई और नहीं मनुष्य है मेरे प्रियो। अय्यूब 11 का 12 कहता है कि हम तो छूछे हैं,
मनुष्य जो है वो छूछा है, निर्बुद्धि है और जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान है। और हर एक गधा, हर एक मनुष्य, हर एक संसारिक मनुष्य जो संसार में है, संसार के बंधनों से, खूटे से बंधा है। परंतु पहला तीमुतियुस 2:4 के अनुसार यीशु अपने वचन में कहता है, सबका उद्धार हो और सब सत्य को जाने। इसीलिए तो यीशु ने 2 चेलों को भेजा, जाओ खूटे से बंधे उन मनुष्यों को आजाद कराओ। वो 2 चेले, वो 2 शिष्य कोई और नहीं, एक नया नियम और एक पुराना नियम। हालेलुया। और ये 2 चेले आज प्रभु ने हमारे साथ में भी रखे हैं, नया नियम और पुराना नियम। जाओ और गधों को आजाद करो। याद करो उत्पत्ति 22वां अध्याय, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तेरे बेटे इसहाक की कुर्बानी चाहिए, तो अब्राहम ने भी गधों को साथ में लिया और क्या बोला गधों को, यहीं रुके रहो, मैं जाता हूं और वापस तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस 2020 में हम गधों पर सवार होकर विजय प्रवेश करना चाहता है। हालेलुया। ना सिर्फ वो बंधन से आजाद कराना चाहता है, परंतु वो हम पर विजय प्रवेश करना चाहता है। इस 2021 में मैं आपके लिए प्रोफेसाई करना चाहता हूँ, घोषणा करना चाहता हूँ यीशु के नाम से कि ये 2021 मत्ती 21 के अनुसार आपके जीवन में एक विजय प्रवेश को लेकर आ रहा है, एक विजय को लेकर आ रहा है, एक जीत को लेकर आ रहा है। आप घोषित कीजिए, आप घोषणा कीजिए, आपके बच्चे विजय हो रहे हैं, आप नौकरी में विजय पा रहे हैं, आप अपने जीवन में विजय पा रहे हैं, सांसारिक जीवन में विजय पा रहे हैं, शैतान को आप पांव के नीचे कुचल कर हालेलुया आप विजय पा रहे हैं। और प्रभु आपके जीवन में उस विजय को देख पा रहे हैं। आपके बहुत से काम रुके थे, ऐसे कोई हैं जिनसे प्रभु बात कर रहा, आपका काम रुका था, परंतु प्रभु आज उस रुके काम में आपको विजय दिलाने जा रहा है। विजय प्रवेश प्रभु आपके जीवन में बोल रहा है। मैं इस समय आपको आशीष देते हुए, और मैं आपके पास एक बार फिर से इस बात को लेकर आता हूं कि प्रभु इस 2021 में आपको विजय प्रवेश करा रहा है। हर एक बात से विजय प्रवेश प्रभु की ओर से, हर एक बात में प्रभु की ओर से आपके जीवन में बड़ी महिमा। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, विशेष करके नौजवानों को जो मेरे ठीक पीछे बैठे, आप जरूर इन्हें अपनी प्रेयर्स में याद रखिए। और अनुपम भैया को, शबनम दीदी को, अनामिका को, मुझे, मेरी दोनों प्यारी बेटियों को, शुभी अनुग्रह को जरूर आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। मैं इस समय आपके बीच में फिर से उस भविष्यवाणी के शब्द को कहना चाहता हूं कि आप इस 2021 में एक विजय प्रवेश करने जा रहे हैं। विश्वास करने वाले आमीन आमीन और आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। यस, विश्वास करने वाले जोर से बोल सकते हैं आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु आपको विजय दिलाने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यस, योग्यता से बढ़कर। हालेलुया। योग्यता से बढ़कर। हालेलुया। योग्यता से बढ़कर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय।
प्रभु राजा आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो। यस राजा, मेरे प्रभु राजा, इस समय हम सब आपके हाथों में आते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने लोग इस समय ऑनलाइन हैं प्रभु, उन सबको मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस और आशीष करता हूं। हालेलुया। इस नए साल में प्रभु राजा, जब आपकी ओर से भविष्यवाणी के वचन आए हैं कि जितने लोग आप पर विश्वास करेंगे वे विजय विजय और विजय को देखेंगे और विजय में प्रवेश करेंगे और आपकी महिमा करेंगे। प्रभु राजा, हरेक को आपके हाथ में सौंपते हैं और नया साल उनके लिए मलाकी 4:2 के अनुसार एक नया धर्म का सूर्य उदय करने वाला वर्ष हो, जिसके द्वारा वो चंगे हो, आशीषित हो और विजय प्राप्त करें और आपकी महिमा हो। परमेश्वर पिता, हरेक को आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर आपको नए वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं और प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु की महिमा आप सबके जीवन में प्रकट होती रहे। हालेलुया। आप जितने इस समय आगरा मसीह मंडली पेज पर जुड़े हैं, आप जितने इस समय पास्टर कपिल शर्मा पेज पर जुड़े हैं, आप सबों को एक बार फिर हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं इस नए वर्ष के लिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि अनुपम भैया, शबनम दीदी, आप लोग भी आए और सबको शुभकामनाएं दें। जरूर प्रभु आप लोगों को, हालेलुया, जरूर। आप सबको जय मसीह की और नव वर्ष 2021 आप सबको बहुत बहुत हम सब की तरफ से मुबारक हो। जय मसीह की। आइए शबनम दीदी, अनामिका, सब आइए बारी बारी से। अरे आइए आइए, अच्छा अवसर है सबको बधाई देने का। हालेलुया। चलो अपन जोड़े से देते हैं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। वाओ, अनुपम भैया और शबनम दीदी भी ऐसे आओ यार सामने, ऐसा मत करो। आओ शबनम दीदी, यहाँ आओ, पीछे हटे। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो पास्टर कपिल शर्मा पेज पर हम सबको देख रहे हैं और आगरा मसीह मंडली के सब प्रिय भाई बहनों को हम सब की तरफ से पास्टर कपिल शर्मा और हमारी बहन सिस्टर अनामिका सिस्टर की तरफ से और जितने प्रिय बच्चे हमारे साथ है इस समय, सबकी तरफ से आप सबको नए साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की, जय मसीह। अब आप उधरोगे, बच्चा पार्टी बोलेंगे सबको। चलो सब बच्चे बिल्कुल विश कीजिए भाई, गाकर विश कीजिए, कैसे विश कीजिए वो आपकी मर्जी है। क्या बात है। और जहां वो गांव में बैठे हैं, आप सभी को नया साल मुबारक। चलो सभी को नया साल मुबारक हो और प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और गांव का नया साल, हां गाना गाना।
लाइट चल रहा है यार। धन्यवाद दीजिए प्रभु को। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दे और नया साल आपके लिए मंगलमय हो और आनंदित हो, आशीषित हो और ये नया साल आपके लिए बहुत सारी नई आशीषों को लेकर आए और ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारा आनंद लेकर आए। प्रभु की महिमा आपके जीवन में हो, मेरी ये शुभकामना है और आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू और प्रभु आपको आशीष दे। चलो एक बार सब जोर से चिल्ला देंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ओके, बाय बाय।